जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फिल एग्ज़ाम फॉर्म फॉर क्लास SYBBA 2019 क्रेडिट पैटर्न का। ये फॉर्म हमें कैसे भरना है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देख लेंगे। तो मिस्टर अक्षय बड़े SPPU एग्ज़ाम अपडेट इस यूट्यूब चैनल को अब तक अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में शामिल हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलो। तो चलो तो देख लेंगे हम SYBBA का एग्ज़ाम फॉर्म कैसा भरेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पे आपको ABC ID कैसे हम एग्ज़ाम फॉर्म में इंक्लूड करने वाले हैं वो भी देख लेंगे। और उसके बाद आपको एग्ज़ाम फॉर्म में एक्स्ट्रा क्रेडिट के सब्जेक्ट आते हैं क्या नहीं इसके बारे में भी हम अंत तक जानकारी देख लेंगे। अगर नहीं आते तो हमें आगे क्या करना है इसके बारे में हम एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद हम आपको बता देंगे। तो चलो देख लेंगे एग्ज़ाम फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप भरते हैं। तो स्टूडेंट हमें एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए unipune.ac.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ एडमिशन के नीचे एग्ज़ाम का टैब दिखाई देगा, तो एग्जामिनेशन में हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन में 4 नंबर का टैब आपको दिखाई देगा, एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एग्ज़ाम फॉर्म के लिए लिंक नंबर 1 से लेकर लिंक नंबर 8 दिया है। हम कौन से भी लिंक पर जाके हमारा एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिंक नंबर 3 क्लिक किया है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम फॉर्म का स्टार्ट डेट, एंड डेट और विदाउट लेट फी का और विथ लेट फी का एंड डेट हमें दिखाई देगा। देखिए जो स्टूडेंट BBA 2019 क्रेडिट पैटर्न के हैं उनके लिए फर्स्ट ईयर और सेकंड और थर्ड ईयर के लिए जो डेट है एग्ज़ाम फॉर्म तो 26 नवंबर को स्टार्ट हुआ है और उसका लेट फी का एंड डेट है 7 दिसंबर 2022, यानी कि 7 दिसंबर तक हम फॉर्म ऑनलाइन भर के कॉलेज के एग्ज़ाम डिपार्टमेंट को या अपना जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है या अकाउंट डिपार्टमेंट में हम फॉर्म फी के साथ सबमिट कर सकते हैं। और लेट फी के साथ जो डेट दिया है उन्होंने वो है यहाँ पे देखिए 12 दिसंबर तक हम फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें जानकारी मिली कि फॉर्म कब शुरू हुआ है और विदाउट लेट फी का डेट क्या है और विथ लेट फी का डेट क्या है। तो 12 दिसंबर तक हम फॉर्म भर सकते हैं लेट फी के साथ, उसके बाद फॉर्म भर नहीं सकते। तो जो कंसर्न स्टूडेंट है वो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए कि यहाँ पे हमें फॉर्म विदाउट लेट फी 7 दिसंबर तक जमा करना है और लेट फी के साथ 12 दिसंबर तक हम फॉर्म जमा कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए या प्रोसीड टू लॉगिन है उस पर क्या कीजिए, क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का हमें स्टूडेंट प्रोफाइल दिखाई देगा, तो उस पर थोड़े से नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे हमें स्टूडेंट में क्रिएट अकाउंट और लॉगिन अकाउंट दिया है। तो लॉगिन अकाउंट में हमें क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद हमें ये देखिए यहाँ पे मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, लॉगिन बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ लॉगिन बाय हमें पूछा है। तो लास्ट ईयर में या लास्ट सेमेस्टर में हमने एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन किया है उसी हिसाब से हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपको मेल आईडी मालूम है तो मेल आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, या मोबाइल नंबर मालूम था तो मोबाइल नंबर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर मैंने सिलेक्ट किया है, मोबाइल नंबर में मैं एंटर करूँगा और पासवर्ड भी एंटर करूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया है वो कैप्चा आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको लॉगिन पेज पे क्लिक करना है। अगर आपको यूज़र नेम मालूम नहीं है या पासवर्ड उसका मालूम नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड में जाइए, वहाँ से प्रोसेस 1 बाय 1 कीजिए और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, न्यू पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। पासवर्ड रिसेट करने के बाद लॉगिन पेज पे आइए, मोबाइल नंबर डालिए और न्यू पासवर्ड रिसेट किया हुआ है वो भी आप मेंशन कर दीजिए। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन पेज पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद क्या होता है हम देख लेंगे। देखिए स्टूडेंट लॉगिन पेज पे मैंने क्लिक करने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा राइट हैंड में आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एक्शन कॉलम में आपको बहुत सारे कॉलम दिखाई देंगे। यहाँ पे बहुत सारे टैब है, जैसे कि हमें अभी एग्ज़ाम फॉर्म में क्लिक करना है और एग्ज़ाम फॉर्म भरना है तो हम यहाँ एग्ज़ाम फॉर्म का ऑप्शन हम सिलेक्ट कर देंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर से ऐसे इंपॉर्टेंट डेट आता है तो नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या होता है, ABC ID क्रिएट होता है। तो ABC ID देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं यहाँ ग्राफ के जरिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको
ABCID मेंशन करना है और सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ ABCID यहाँ पे मेंशन करते हैं, वो सबमिट बटन पे क्लिक करना भूल जाते हैं। तो आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक किएंगे तो यहाँ पे आपको एक ABCID नंबर सक्सेसफुली सेव ऐसा मैसेज आपको आ जाएगा। ओके, तो ये आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ABCID एंटर करता हूँ और सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद क्या आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये स्टूडेंट का जो ABCID है वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, जैसे कि वो तो कॉमन है, उसका तो कोई लीकेज वगैरह नहीं हो सकता है या इन्फॉर्मेशन कुछ रॉन्ग नहीं हो सकती है। देखिए 7938 3232 देन है 4239। ओके, ये है उसका 12 डिजिट का ABCID। तो ABCID क्रिएट करने के बाद मैं सबमिट बटन में क्लिक करता हूँ। तो सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ABCID नंबर इज सेव सक्सेसफुली ऐसा मैसेज आपको क्रिएट न्यू एप्लीकेशन के नीचे आता है। ये जब तक आता नहीं है तब तक आपके एग्जाम फॉर्म में और यूनिवर्सिटी की तरफ आपका ABCID का डॉक्यूमेंटेशन जाएगा नहीं, और रिकॉर्ड जाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ABCID इट इज़ अ मस्ट कंपलसरी और इट इज़ अ मैंडेटरी टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप्स है कि आपको यहाँ दो ऑप्शन है, एक है फर्स्ट ईयर और दूसरा है अदर देन फर्स्ट ईयर। आप SY का फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ आपको अदर देन फर्स्ट ईयर में आपको क्लिक करना है। देखिए अगर आपका बैकलॉग है, अगर आपका कोई सब्जेक्ट बैकलॉग है तो आपको फर्स्ट ईयर में जाना है या फर्स्ट ईयर का जो कॉलम है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और सेकंड ईयर में जाके सेकंड ईयर का भी फॉर्म भरना है। यानी कि सेकंड ईयर के लिए रेगुलर फॉर्म रहेगा आपका और बैकलॉग के लिए फर्स्ट ईयर आपका फॉर्म रहेगा। ओके, देखिए स्टूडेंट ये चीज़ मैं बाद में लास्ट में भी बताने वाला हूँ, लेकिन ध्यान में रखिए अगर आपका बैकलॉग है तो बैकलॉग के लिए आपको फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करना है और रेगुलर सिर्फ रेगुलर ही है तो आपको अदर देन फर्स्ट ईयर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट है जिनका बैकलॉग नहीं है उनके लिए सिर्फ एक फॉर्म भरा जाएगा, और जिनका बैकलॉग है फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर रेगुलर है तो आपको दो फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने अदर देन फर्स्ट ईयर सिलेक्ट किया और यहाँ क्रिएट न्यू एप्लीकेशन में मैंने क्लिक किया तो आपको इस प्रकार का आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा, आपकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो लास्ट में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ के जो कंपलसरी सब्जेक्ट है ये आपको दिखाई देगा 311 312 313 314 314। ये तो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसको कहाँ पे भी क्लिक करना जरूरी नहीं है। देखिए उसके बाद आपको ये सब्जेक्ट दिखाई देगा इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 371 1M पे आपको क्लिक करना है। 2 आपके लिए सेकंड सेम के लिए रहेगा तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही कॉलम पे क्लिक करना है, यानी कि 3171M पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको किधर भी क्लिक करना नहीं है। दूसरा आपका जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है, यानी कि देखिए आपको स्पेशलाइजेशन जो है मार्केटिंग है, फाइनेंस है, देन इसके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि HRM, देन सर्विस मैनेजमेंट SM उसके लिए बोलते हैं, और लास्ट में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। इनमें से आपको सिर्फ एक सिलेक्ट करना है, जो फाइनेंस है, जैसे कि स्टूडेंट ने फाइनेंस स्पेशलाइजेशन किया है तो फाइनेंस पे वो क्लिक करेगा तो फाइनेंस पे ऑलरेडी बाकी के जो सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ओके, तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रेडिट के सब्जेक्ट आपको आने वाले नहीं है, यानी कि GR 2A से लेकर GR 9A तक कौन से भी सब्जेक्ट आपको आने वाले नहीं है। आपको वो हॉल टिकट में दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। सिर्फ आपको इन्वायरमेंटल का सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको जो स्पेशलाइजेशन है वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि वो 315B इस नाम से वो सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का आपको फीस डिटेल आ जाएगा, 1790 आपका फी डिटेल्स है। यहाँ पे देखिए आपका प्रोजेक्ट फी नहीं है, प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन फी अभी नहीं है। आपको फी कब चार्ज किया जाएगा, 5th और 6th सेमिस्टर में। ओके, अभी तो कुछ नहीं है, यानी आपको क्या करना है, प्रीव्यू करके आप आपका देख सकते हैं एग्जाम फॉर्म कैसा भरा है कैसा नहीं, और अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरा हुआ है ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में या बॉक्स में क्या कीजिए, एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। स्टूडेंट का थोड़ा सा ज़्यादा समय हुआ तो उसके लिए वो ऑलरेडी आया है।
देख लीजिए यहाँ पे हमें एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी सेवन नेक्स्ट कंफर्म करने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। मैं यहाँ पे फॉर्म प्रिंट कॉलम में जाके प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करने के बाद आपको वन बाय वन आपका एबीसी आईडी मेंशन किया हुआ दिखाई देगा और लास्ट में आपको सब्जेक्ट टोटल कितने सब्जेक्ट आपके एग्जाम फॉर्म में आएंगे वो भी मैं आपको दिखाई दूंगा। ऑलरेडी आपके 6 सब्जेक्ट चाहिए और एक जो सब्जेक्ट है वो आपको एग्जाम फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो बी ग्रुप है यानी कि वो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है, उसमें दो सब्जेक्ट आता है जैसे कि 305, 306 या 315, 316 इस नाम से आ जाएगा। देखिए या तो चार सब्जेक्ट पहले है 311, 312, 313, 314 ये जो सब्जेक्ट्स है वो तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसके बाद इन्वायरमेंटल का सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट आएगा। इस प्रकार का आपने फॉर्म भरा तो ये फॉर्म आपका बराबर है और यहाँ पे देखिए ए बी सी आई डी भी यहाँ पे उसका मेंशन हुआ है। तो इस प्रकार का आपका फॉर्म है वो टोटली बराबर है, कुछ में इसमें कुछ गलती नहीं है। आपके एग्जाम फॉर्म में जो एक्स्ट्रा क्रेडिट के सब्जेक्ट आ जाएंगे वो तो आपके हॉल टिकट में आएंगे, एग्जाम फॉर्म में आने वाले नहीं है। देखिए जो स्टूडेंट एस वाई बी बी ए में है तो उनको एक्स्ट्रा क्रेडिट के जरिए फर्स्ट ईयर में 4 तो क्रेडिट कंपलसरी आपको मिलना ही चाहिए और एस वाई टी वाई को मिलकर 4 क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। जो आप एस वाई में हो तो कम से कम आपको 2 क्रेडिट मिलना है और टी वाई में कम से कम 2 क्रेडिट आपको रिक्वायर है, ऐसे कुल मिला के आपको एक्स्ट्रा 4 क्रेडिट आपको मिल सकते हैं। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, हाउ टू अर्न एक्स्ट्रा 8 क्रेडिट, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ए बी सी आई डी कैसे क्रिएट करना है, कैसा फॉर्म भरना है, एग्जाम फॉर्म में कैसे वो ए बी सी आई डी ऐड करना है, ये भी मैंने वीडियो के जरिए आपको बताया है। मैं आगे से यहाँ पे आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ए बी सी आई डी क्रिएट करना और वो एग्ज़ाम फॉर्म में फिलअप करना मैंडेटरी है। दूसरा, एग्ज़ाम फॉर्म में कौन से भी एक्स्ट्रा क्रेडिट आने वाले नहीं है सब्जेक्ट्स, वो आपके हॉल टिकट में आएंगे। आपको लगा कि मुझे सोशल सर्वे करना है तो आप सोशल सर्वे करके उसका रिपोर्ट बना के आप अपने सब्जेक्ट टीचर को दे सकते हो। आपको मूक कोर्स करना है या शॉर्ट टर्म कोर्स करना है वो कोर्स कंप्लीट कर दीजिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन आप अपने सब्जेक्ट टीचर को दे देंगे तो वो क्या करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे। अगर आपको स्पोर्ट्स में मिलाना है स्पोर्ट्स के जरिए या एनएसएस के जरिए मिलाना है तो आप वहाँ पे वो ऑप्शन एक एग्जाम फॉर्म में मेंशन कर सकते हो। तो इस प्रकार आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल में शामिल हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आगे मिलते हैं इस प्रकार के नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।